अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक एंड आइडियल कॉन्सेप्ट्स। आज के लेसन में मैं आपको फोटोशॉप सीसी के मेन्यू के बारे में बताऊंगा कि उसमें फाइल्स वगैरह के बारे में, इमेज वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक ही भी चीज़ पहले बताऊँगा, फिर बाद में अगले अगले लेसन में मैं आपको बताया जाऊँगा सीरीज का। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैम हमारे पास होती है फाइल। फाइल से हम इमेज को ले सकते हैं, उसे खोल, अगर आपने कोई इमेज सेव की हो किसी जगह में उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपने एक इमेज ओपन की हो और दूसरी साथ में ओपन करनी हो उसे भी ओपन कर सकते हैं। जो हमारे पास रीसेंट ओपन हो रही हो पिक्स, उन्हें हम ओपन करने का तरीका, क्लोज ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करने का, उनकी शॉर्टकट कीज़, इन सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यू। न्यू एक ये न्यू की ऑप्शन है और कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। न्यू से आप फोटोशॉप सीसी में, आपके पास अगर ये फोटोशॉप सीसी या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये फाइल मेन्यू होते हैं, सब में मेन्यू होते हैं। न्यू की ऑप्शन से आप, अगर आपने कोई न्यू पेज लेना हो वाइट कलर का बैकग्राउंड किसी भी किस्म की, वो ले सकते हैं आप। यहाँ से आप उसके साइज़ वगैरह बता सकते हैं कि आपने कैसा, किस तरह का, किस चीज़ पर्पज़ के लिए आपने उसको लेना है। हम कस्टम ही रहने देंगे। यहाँ पे उसकी विड्थ होगी, यहाँ पे उसकी हाइट होगी, यहाँ पे पिक्सल होंगे, इंच होंगे, फीट होंगे, मिलीमीटर, जोन सी आप जिस स्केल में आप लेना चाहें। मैं आप पिक्सल ही रहने देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन होती है, अमूमन इमेज हमारे पास यूज़ होती हैं 72 रेजोल्यूशन में या 300 रेजोल्यूशन में। ये कलर मोड है, फोटोशॉप सीसी में आरजीबी कलर मोड होता है, और जो फ्लैक्स वगैरह लोग बनाते हैं उसमें CMYK कलर यूज़ होता है। इसका साइज़ है 8 बिट 16 बिट, मैं 8 बिट ही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स इसका, आप अगर बैकग्राउंड जिस तरह की आप चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। आगे कलर प्रोफाइल है, और ये मेन यही चीज़ें यूज़ होती हैं। ये जो है मैं अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट बता देता हूँ। 1920 विड्थ मैंने ले ली है, 1080 हमने हाइट ले ली है। ये अमूमन जो विड्थ और हाइट है ये HD वीडियोज़ में, जो अगर आपने कोई फ़ोटो ऐड करनी हो जो फुल HD होती हैं, लिखा होता है ना 1080p, उनमें ये अगर हमने पिक ऐड करनी हो तो ये यूज़ हो सकती है। ओके दबा देंगे और हमारे पास वो तभी आगे आपने ओपन करना हो कोई ऑब्जेक्ट उससे ओपन कर सकते हैं हम। ये हमारे पास अब ऑब्जेक्ट ओपन हो चुका है। ये हमारे पास फाइल में जो टूल्स हैं मैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन एज अगर करना हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ओपन करना हो, अभी वो ओपन नहीं हो सकता लेकिन वो हो जाता है। ये ओपन रीसेंट, जो मैं रीसेंट यूज़ करता आ रहा हूँ पिक्स वगैरह या जो भी है, वो रीसेंटली जो ओपन हो रही हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज़ है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ओपन किया हो और उसे क्लोज़ करना चाहते हैं क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ ऑल से सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद वो कंट्रोल ओ से आप बताया ओपन कर सकते हैं। इसे अगर हमने कोई चेंजिंग इसमें की हुई है इरेजर से, इमेज को जैसा रेज कर दें हम, तो हम इसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से वो सेव हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एस से आपने एक पिक सेव हुई है उसे दोबारा किसी और जगह पे सेव करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और एस से, या यहाँ फाइल पे जाके सेव ऐसे आप उसे कर सकते हैं। सेव फॉर वेब से आप अपनी इमेज को जो है उसे आप JPG की शक्ल में उसे सेव कर सकते हैं, जिधर आप सेव करना चाहें। पहले डन कर दीजिएगा, वो सेव हो जाएगी। अब मैंने डन कर दिया था, मेरी भी शायद पिक्चर्स में सेव हो गई है, ये आ गई है। या अगर आपको नहीं पता चल रहा
सेव फॉर वेब दोबारा क्लिक कर लें, सेव करें और डॉक्यूमेंट्स में ये सेव है, सेव की ऑप्शन आ गई है। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में एक और ऑप्शन आ चुकी है सेव की। उसके बाद हमारे पास है रिवर्ट। रिवर्ट F12 से यूज़ होता है, इसे रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है अक्सर, कि आपने कोई इमेज सेव की हो उसे दोबारा रिवर्स करने के लिए। प्लेयर्स, ये भी टूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्ट, अगर आपने कोई नोट्स वगैरह या कोई वीडियो फ्रेम इम्पोर्ट करना हो लेयर में किसी में, वो इम्पोर्ट कर सकते हैं आप। आपने एक्सपोर्ट करना हो JPG की शक्ल में, आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना हो, वो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, फोटोशॉप में ये टाइम अब बहुत लेगा मेरा। इसके बाद आपने अगर इमेज को यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट उसे कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट कंट्रोल क्यू से अगर एग्ज़िट करेंगे तो सारे का सारा फोटोशॉप बंद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के टूल्स। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगले लेसन में, और अगले लेसन में मैं आपको एडिट के बारे, एडिटिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। फिर बाद में मेन्यू मैं आपको इसी तरह सीरीज़ में कर करके समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।